आप सबका और बात पुलिस के नेक पहल। जमशेदपुर पुलिस ने पहली बार किसी नक्सली के गांव में बाल लाइब्रेरी खोली। आने वाले दिनों में कई और नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे ही बाल पुस्तकालय खोले जाएंगे। रिपोर्ट। जमशेदपुर पटमदा के झुंझका को कभी हार्डकोर नक्सली राम प्रसाद मारनी और सचिन के गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इस गांव की तस्वीर बदलने की कवायद हो रही है। जमशेदपुर पुलिस और रोटरी क्लब की मदद से इस गांव में बाल लाइब्रेरी खोली गई है। इसका उद्घाटन SSP अनूप बिथरे ने किया। इस पुस्तकालय में न सिर्फ किताबें और LED स्क्रीन लगी है, बल्कि बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उतर जाएंगे, बाल निकालो मर जाएंगे। हम बच्चों को अब सचिन नहीं बनाना चाहते, हम बच्चों को बेसिकली पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक झारखंड का बनाना चाहते हैं, जो झारखंड के विकास में और देश के विकास में सहयोग करे। ये उद्देश्य मैसेज देना चाहते हैं कि बेसिकली सरकार और झारखंड पुलिस और जो समाज है वो जो है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और विकास के लिए आगे आना चाहते हैं, और नक्सल दिशा में कोई भी ना जाए हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय के बच्चों की संलिप्तता पर नोटिस लेने के बाद इस पहल को पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही हार्डकोर नक्सली सचिन का परिवार भी इस पहल से बेहद खुश है। सचिन के छोटे भाई छोटू लाल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए काफी काम हुआ है, यही वजह है कि इस इलाके में नक्सलवाद का असर घटता जा रहा है। खबर ये है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में बच्चों का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं, लेकिन खबर ये भी है कि बच्चों का इस्तेमाल ना हो उसकी पूरी कवायद प्रशासन कर रहा है। प्रशासन और बच्चों के बीच किसी तरह संवाद लगातार स्थापित होते रहेगा ताकि बच्चों का मन जो है सही रास्ते जा सके। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अमृता, झुंझका गाँव, जमशेदपुर।